हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री में आगे की तरफ। ठीक है, टाइप टू के 20 क्वेश्चन हो गए थे हमारे, 21 देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, ठीक है। टाइप टू का क्वेश्चन नंबर 21 है और किरण पब्लिकेशन 9500 बुक है। क्वेश्चन नंबर 21 ने क्या बोला, यदि थीटा के किसी भी मान के लिए ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा हो तो ए का मान कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर जो आपके सामने ऑप्शंस दिए हैं, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, जो कि हमें दिए हुए हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ये इस टाइप के क्वेश्चन है, या मैक्सिमम, मिनिमम। ठीक है, कौन किससे बड़ा हो सकता है, कौन किससे वैल्यू छोटी होगी, ए का मान जो होगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम, मिनिमम से मिनिमम। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 21 में थीटा की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 0, 60, 45, ठीक है, 30 रख लो, 90 रख लो। लेकिन अगर सभी वैल्यू को चेक करेंगे तो हमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो आप मेरे कहने से सिर्फ दो या तीन वैल्यू चेक कर लीजिए। ठीक है, थीटा का मान पहले रख लीजिए 0 या फिर 45 एंड 90। आप तीन वैल्यू को चेक करने के बाद में आपका क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके सामने हो जाएगा, जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला है ए इज इक्वल टू, हमें दिया गया है ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस में दिया गया है हमें कॉस की पावर 4 थीटा, कॉस की पावर 4 थीटा। ये आपके सामने क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा, लेकिन थीटा की वैल्यू हमें पुट करनी होगी। तो थीटा इज इक्वल टू, मैं फर्स्ट केस में ले लेता हूँ 0। जब थीटा 0 डिग्री होता है तो साइन 0 डिग्री कितना होता है, साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो फाइनली 0 आने वाला है। प्लस यहाँ पर देखेंगे कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और 1 का इस 1 की पावर 4 हो, चाहे जितनी 1 की पावर हो, लेकिन 1 ही रहने वाला है। तो फाइनली हम देखेंगे उत्तर हमारा 1 आ रहा है। ठीक है, जिस ऑप्शन में 1 हो आपके पास तो वो आपका उत्तर लगभग सही है। फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में नहीं है, फोर्थ तो बिल्कुल एलिमिनेट हो गया। ओके, थीटा की वैल्यू आप मान लीजिए यहाँ पर 45 रख लीजिए। ठीक है, अगर 45 से भी अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप 90 रखेंगे, फिर देखते हैं। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है, कितनी होती है, रियलिटी में होती है 1/√2, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ स्क्वायर, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है भाई, स्क्वायर से ये रूट कट जाता है, तो बचता कितना, 1/2 बचता है। ठीक है, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि 1/√2 का स्क्वायर है, ऊपर देखेंगे तो स्क्वायर है, तो 1/2 एंड देन प्लस कर लेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी, कॉस 45 की वैल्यू आपको कितनी होती है भाई, 1/√2 होती है, और 1/√2 के ऊपर, 1/√2 के ऊपर एक तो स्क्वायर हो गया, इसको अगर मैं दो टुकड़ों में कर दूं, ठीक है, तो एक स्क्वायर से तो भाई ये रूट कट गया। ठीक है, अब बचा एक और स्क्वायर जो कि 2 पे लग जाएगा, तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर 2 स्क्वायर है अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 1/4 कर दूं मैं, कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा एंड इज इक्वल टू, प्लस कर लेते हैं फाइनली, तो 4 हो गया हमारा एलसीएम, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 2 = 4, तो 2 बचेगा प्लस एंड 4 से एक बार मतलब 1, तो कितना हो जाएगा, 3/4 यहां पर जो आपकी वैल्यू देखने को मिलेगी। ठीक है, ये थोड़ा सा ऑप्शन में देखेंगे हम, पहले ऑप्शन में 3/4 तो है नहीं है, पहला भी एलिमिनेट हो गया, एंड थर्ड में भी नहीं है 3/4, ये भी एलिमिनेट, फोर्थ वाला हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। फाइनली अब कोई चेक करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर 2 में जो दिया गया है वो आपका सही है, 3/4 से बड़ी, ठीक है, एंड ए का मान जो होगा एंड इससे मैक्सिमम जा सकता है 1 के बराबर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, और इसी टाइप से आप कर सकते हो, अदरवाइज कोई भी नहीं है, आपको ऑप्शन मतलब वैल्यू पुटिंग करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। ठीक है, 22 वाला क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया 10 315। अब 315 की वैल्यू तो पता नहीं है, लेकिन आपको यह पता है कि एक सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, इतना तो पता ही होगा ना, अगर नहीं पता तो फिर यहां क्या कर रहे हो, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में जाओ। चलिए कोई नहीं, नहीं पता है फिर भी कोई बात नहीं है, सब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे। देखो एक चीज समझ लो, पहले मैंने आपको क्वाड्रेंट पढ़ाया है, वहां पर थोड़ा बहुत मैंने बताया कि एक सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, जैसे कि यहां पर आप अगर देखोगे ये क्वाड्रेंट है, ठीक है, फर्स्ट,
सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, क्लियर है। और ये कंप्लीट यहां से लेके यहां तक हम देखें तो 360 होता है, 0, 90, 180 एंड 270 ये कराया हुआ है, ठीक है। अभी समझ लेते हैं, करने में कोई बड़ा बड़ी बात नहीं है, आसानी से हो जाएगा। अब टेन 315, 315 यहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से 180 हो गया, 180 से 270 हो गया, 270 से ये पूरा होता है 360 का, लेकिन 360 तो 360 नहीं दिया हमें, 315 दिया, तो कहीं ना कहीं इससे पहले रुक जाएगी गाड़ी। कहां पर रुक जाएगी? यहां पर कहीं रुक जाएगी। ये हो गया मान लो 315 डिग्री का एंगल, कितने का? 315 डिग्री का एंगल। क्या मैं इस एंगल को ये भी लिख सकता हूं, अगर हम इधर साइड से आते हैं ना तो वो माइनस में चलती है गाड़ी, ठीक है। तो यहां से अगर हम नीचे की साइड आएंगे तो क्या मैं इसे माइनस का 45 बोल सकता हूं, माइनस का 45 डिग्री बोल सकता हूं ना। अगर हम देखें माइनस 45 करेंगे तब भी हम यहीं पे आके रुकने वाले हैं, ठीक है। तो एंगल तो यहीं पे आना है हमें, 315 डिग्री पॉजिटिव में हो जाएगा, नेगेटिव में बोलेंगे तो माइनस का 45। अब क्वेश्चन ने बोला कॉट 405, अच्छा 405 माइनस में है, लेकिन तो माइनस में गाड़ी चलेगी ऐसे, तो एक राउंड लग गया भाई 360 का, 360 का राउंड लग गया, तो 405 में से 405 है ना, माइनस कर दो 360, बचा कितना 45। अगर यहां से फिर ये इस टाइप से राउंड चल रहा है ना हमारा 360 वाला, ऐसे चला तो यहां पर आके रुक गई गाड़ी 360 तक। अब इसके बाद में 45 बचा, तो कहीं ना कहीं माइनस में 45 ये भी यहीं पे आ रहा है, ठीक है। समझ रहे हो पॉइंट, कि यहीं पर आकर गाड़ी रुक रही है। एंड जब भी कभी बड़ा आपके सामने होता है, जैसे 405 हुआ, 370 हुआ, 300, 400, 500, 1800 जितना भी हो, आपको राउंड निकालना है 360 के, वो बाहर फेंक देना, उनका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास मेन बचेगा वो ओनली 45 ही बचेगा। हम माइनस के 45 से भी पता कर सकते हैं, जरूरी नहीं है 360 हमें पता हो, ठीक है। 360 को अगर मैं 405 में से 360 को हटा दूं तो अभी हम वहीं पर आकर आ जाएंगे, क्योंकि ये माइनस का होगा, ये माइनस का 405 है, ठीक है। माइनस के 405 में से अगर मैं यहाँ पे 360 अगर मैं घटा दूं या 360 में हटा दूं, सीधी सी बात है, ठीक है। हटाने पर क्या होगा, माइनस का 145 बचेगा, इसका मतलब है यहां पर जो वैल्यू आएगी वो माइनस के 45 वहीं पर आकर रुकने वाली है। बस ये कहानी थी और कुछ नहीं। अब क्वेश्चन समझते हैं ये, ठीक है। क्या समझते हैं? क्वेश्चन, और ये चीजें तो आप सभी को पता होती है, कोई बड़ी चीज नहीं है ये, ठीक है। चलिए, तो 360 अगर एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है, आप उसे हटा दो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है 10 315 डिग्री, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई में दिया हुआ है कॉट हमें दिया हुआ है कितना, माइनस का 405 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है, और हमसे पूछा है कि का मान क्या होगा। ओके, क्या मैं इसे 360, ठीक है, 360 माइनस 45 लिख सकता हूँ? आप ही बताओ, अगर मैं 360 में से 45 घटा दूँ तो 315 बचेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, क्या मैं इसे कॉट माइनस का 360 एंड माइनस का 45 लिख सकता हूँ? बोलो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 45 जोड़ने पे 405 हो जाएगा। और मैंने बताया जब 360 का सर्कल कंप्लीट हो जाता है इसे हटा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वहीं पर पहुंच जाते हैं। अगर हमारे पास माइनस 45 है तो एक राउंड तो कंप्लीट ही हो गया ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, स्टार्ट हुए थे वहीं पर आ चुके, अब वहां से सीधे सीधे माइनस 45 चले जाते। अब आपके पास में वैल्यू निकल कर आई 1045 माइनस 45, चाहो तो यहीं पर कर लो मल्टीप्लाई कॉट माइनस का 45, इसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1045 की वैल्यू 1, तो माइनस का 1 हो गया क्योंकि माइनस लगाए, मल्टीप्लाई कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1, तो ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस, आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 1 होगा। समझ गए? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, 23 वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सबसे पहले पढ़िएगा क्वेश्चन ने बोला क्या है वो देखो। यदि 10 2 थीटा मल्टीप्लाई 10 4 थीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है 2 थीटा और 4 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इनका सम 90 डिग्री के बराबर होगा। आप सभी लोगों को पता है, ठीक है। चलिए,
तो बहुत आसान हो गया, थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें दे रखा है टेन टू थीटा, ठीक है, टेन टू थीटा मल्टीप्लाई टेन फोर थीटा इज इक्वल टू वन दिया हुआ है। इसका मतलब है इन दोनों का जो सम है, मतलब सिक्स थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के। तो थीटा इज इक्वल टू 6 से 6 कम 6, 6 5 30 15 डिग्री। थीटा की वैल्यू निकल कर आ गई हमारी कितनी, 15 डिग्री। ओके, तो हमसे पूछा टेन थ्री थीटा किसका किसके बराबर होगा, टेन थ्री मल्टीप्लाई थीटा का मतलब है 15, तो यहाँ पे हो गया 10 45 डिग्री, और 10 45 बराबर होता है किसके, 1 के। तो किसके बराबर होता है भाई, 10 45 हमारा 1 होता है, साइन कोस 10, 10 45 बराबर हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, 24 वाला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, ओके, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू टू, साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू टू दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, आपसे पूछ रहा हूं कि साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू टू दिया हुआ है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं साइन अल्फा की वैल्यू 1 होगी और कॉस बीटा की वैल्यू भी 1 होगी, तब जाकर 1 + 1 हुए होंगे, तब जाकर 2 हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 में हमें दिया हुआ है साइन अल्फा एंड देन प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू टू दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं 1 होगी एंड इसकी वैल्यू 1 होगी, तब जाकर मैंने 1 + 1 किया होगा इज इक्वल टू 2 हो गया। अब हमें यह पता करना है कि साइन अल्फा मतलब साइन की साइन कितने पर 1 होता है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब सभी लोगों को पता है कि अल्फा बराबर कितना रख दूं, अगर मैं 90 डिग्री रख दूं अल्फा का मान, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अगर मैं इसी तरह कॉस बीटा की बात करूं, तो बीटा का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, जरा देखो टेबल में, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहां पर मैं कितना रख दूं भाई, 0 डिग्री। हमारे पास अल्फा का मान आ गया, बीटा का मान हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं वो उसमें पुट कर देते हैं। साइन हमसे पूछा गया है, साइन ब्रैकेट में दिया हुआ है 2 अल्फा प्लस बीटा एंड डिवाइडेड बाई 3। तो देखो भाई 2 अल्फा, अल्फा की जगह पर 90 रख दूं, ठीक है, 9 × 9 = 18 मतलब 180, प्लस में बीटा, बीटा मतलब कितना है 0 एंड डिवाइडेड बाई कितना है 3। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 180 डिग्री बट्टे में 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 6 = 18, तो मतलब 60 डिग्री हो गया। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 डिग्री बराबर होता है हमारा कितना, √3/2 के। ये हमारा आंसर हो गया, साइन 60 बराबर कितना, √3/2। ऑप्शन में तो नहीं है लेकिन, अब लेकिन हमारे पास ऑप्शन कुछ कॉस में भी है, तो हम थोड़ा सा एक बार ये देख ले रहे हैं कि ये वैल्यू कॉस के अंदर कहाँ मिलती है भाई, ये वैल्यू 60 30 हो जाएगी, कॉस 30 के बराबर भी हमारा कितना मान होता है, √3/2। अगर साइन 60 आपको नहीं दिया है √3/2, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, कॉस 30 के बराबर भी तो √3/2 होती है, तो कॉस 30 होगा आपका आंसर, लेकिन कॉस 30 भी हमें दिखाई नहीं दे रहा ऑप्शन में, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, कॉस 30 को थोड़ा सा इसे मॉडिफाई करके लिख दिया क्वेश्चन ने ऑप्शंस में, कैसे देखो, कॉस क्या मैं इसे 90/3 लिख सकता हूँ, आप बताओ, जिस ऑप्शन में 3 लिखा हुआ है, कॉस 3 मतलब ऑप्शन नंबर 2 में भी है एंड ऑप्शन नंबर 4 में भी है, लेकिन अभी आंसर नहीं बोल सकते, लेकिन हम यहाँ पर 90 के स्थान पे क्या रख सकते हैं, आपको पता है कि 90 डिग्री हमने जो वैल्यू मानी है वो अल्फा मानी है, तो सीधी सी बात है भाई 90 की जगह पर अल्फा रख के देख लो, तो हम क्या रख सकते हैं, ये दिख रहा है ना यहाँ पर, थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा कर देता हूँ, तो क्या रख देंगे यहाँ पे 90 की जगह पे हम रख देंगे भाई कॉस, 90 की जगह पे अल्फा हो गया, क्योंकि 90 का मान जो है हमारा कितना है, अल्फा है बट्टे में 3। अब ये देखो जरा, ये आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, अगर ये भी नहीं दिख रहा तो ऑप्शन गलत है फिर, ठीक है, कॉस अल्फा बट्टे में 3, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट है। तो बताओ इस क्वेश्चन में क्या था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, ठीक है, चलिए नोट कीजिएगा, फिर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, 25 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, ये देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िएगा फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन
क्वेश्चन ने क्या बोला है वो देखो, क्वेश्चन ने बोला है कॉट 10 डिग्री। ओके, कॉट और टेन के लिए मैंने आपको बताया था, ठीक है, अब याद होगा तभी अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं तो प्रीवियस वीडियो देखिए, ठीक है। चलिए, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर सामने ही दिखाई दे रहा है मुझे, क्यों आपको भी दिखाई दे रहा होगा अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हो तो, अदरवाइज बीच में से जंपिंग जंपिंग कर रहे हो तो नहीं दिखेगा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है आप लोगों में से कुछ ही, आप जितने भी स्टूडेंट्स हो ना, आप सब में से बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो कि कंप्लीट वीडियो देखते हैं, यही फैक्ट है, और इसी वजह से जो है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 में हमें दिया कॉट 10, लिख लूँ या फिर वैसे ही बता दूँ, लिख लेता हूँ, चलो कॉट 10 डिग्री, ठीक है, एंड कॉट 20, ये सभी मल्टीप्लीकेशन में है। ओके, कॉट 60 यहाँ पर लिखना चाहो, पॉइंट लगा लो, जिसका मतलब है मल्टीप्लाई में ये, ठीक है, एंड कॉट 70, कॉट 70 डिग्री, एंड हमारे पास दिया हुआ कॉट 80 डिग्री। कितना दिया हुआ है? कॉट 80 डिग्री का मान क्या होगा? तो आप लोगों को पता है कि कॉट और टेन के लिए हमें स्पेशल चीज़ पता है कि 10 और यहाँ पे 80 90 होता है, इनकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है, और 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करो वो उतना ही रहता है, तो 20 और 70 ये भी 90 1 के बराबर। अब वैल्यू बची कॉट 60 की, बस यही आपका आंसर हो गया, तो ऑप्शन नंबर आपका 4, 1/√3 आपका सही उत्तर होगा। तो कॉट 60 का मान कितना हो जाएगा? 1/√3, जो कि ऑप्शन नंबर आपके पास फोर्थ में दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका सही उत्तर है, नोट कर लीजिए, ठीक है, 1/√3 आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा, कॉट 60 बचेगा, बाकी सारी वैल्यू हट जाएगी, ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, 26 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26, ऑप्शंस तो नहीं है इसके, साइन अल्फा सेक 30 डिग्री प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1 है, तो याद रहे साइन और सेक का रिलेशन कभी भी आपके सामने आता है तो इनकी वैल्यू भी बराबर किसकी होती है भाई? साइन अल्फा और सेक बीटा इज इक्वल टू होता है किसके? 90 डिग्री के बराबर होता है। किसके बराबर होता है भाई? 90 डिग्री के बराबर होता है, तो सीधे सीधे हम रख सकते हैं वैल्यू, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में सीधे सीधे रख सकते हैं कि अल्फा, देखो मैं लिख देता हूं, साइन अल्फा एंड सेक हमारे पास है कितना? 30 डिग्री प्लस अल्फा इज इक्वल टू हमें दिया हुआ 1, और ये 1 कब होता है? जब इन दोनों का सम कितना हो? 90 डिग्री के बराबर हो, तब। ये पॉइंट याद रखना, ये दोनों कब इक्वल टू 1 होते हैं? जब इन दोनों का मान क्या होगा? इन एंगल्स का मान अल्फा प्लस बीटा या 90 डिग्री, 90 माइनस थीटा या थीटा का जो सम होगा वो 90 के बराबर ही होगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर देखेंगे अल्फा एंड इन सबको प्लस कर लेंगे, तो अल्फा और अल्फा 2 अल्फा हो गए, एंड प्लस का 30 डिग्री इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के, तो अल्फा का मान निकाल सकते हो, 2 अल्फा इज इक्वल टू 30 उधर जाएगा तो 60 हो जाएगा, ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 30 डिग्री, अल्फा की वैल्यू निकल कर आ गई यहाँ पे कितनी? 30 डिग्री। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ने पूछा साइन अल्फा साइन 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है, साइन 30 प्लस कॉस 2, अल्फा मतलब 30, 2 × 30 करेंगे तो कॉस 60 हो गया, ये कितना हो गया? कॉस 60 हो गया भाई, मैंने इसी को लिख दिया, कुछ अलग नहीं है, ठीक है, तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी है? ये भी 1/2 होती है, तो 1/2 एंड 1/2 आधा और आधा कितना हो गया भाई? 1 हो गया, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 1 के बराबर हो जाएगा, क्लियर है, किसके बराबर होगा? इसका आंसर हो जाएगा 1। चलिए, नोट कीजिएगा, जब तक चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम अपने 27 की ओर, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िएगा, आपकी स्क्रीन पर है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन में करा चुका हूँ आपको, ठीक है, फटाफट से ट्राई कीजिएगा।
क्वेश्चन ने बोला है टेन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू वन, टेन की कितनी वैल्यू के लिए वन होता है, 45 के लिए वन होता है, तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू हो गया 45 डिग्री, एंड सेक अल्फा प्लस बीटा 2/√3 किसके बराबर होता है, ये 30 के बराबर होता है, 2/√3 सेक के अंदर 30 डिग्री पर होता है, कितने पर होता है भाई 30 डिग्री पर होता है। तो हमसे पूछा है अल्फा का न्यूनतम मान क्या होगा, कम से कम वैल्यू क्या होगी, तो मतलब अल्फा की वैल्यू निकाल लीजिए, सिंपल क्वेश्चन है बताओ, इससे ज्यादा सिंपल तो कोई होगा भी नहीं। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 27, 27 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, अब सीधी सी बात है टेन अल्फा माइनस बीटा मतलब बराबर 45 होगा जब इज इक्वल टू वन होगा, तो मैं सीधे लिख देता हूं अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू हो गया कितना 45 डिग्री। ठीक है, और हमें पता है अल्फा प्लस बीटा, सेक अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर 30 होगी तभी जाकर 2/√3 होगा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 30 डिग्री के। फाइनली इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 4 × 3 = 7 मतलब 75, एंड अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 2 से काटेंगे तो 37.5, 37 सही 1/2 डिग्री, कितना आ जाएगा अल्फा का मान 37 सही 1/2 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है आपका। बताओ इस क्वेश्चन में कुछ था, मुझे नहीं लगता कुछ था। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 की ओर, क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन ने बोला है यदि कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि भाई थीटा का मान क्या होगा, और थीटा के मान हमें ऑप्शन में दे रखे हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री या 45 डिग्री। तो ये क्वेश्चन आपके लिए जाता है, सिंपल क्वेश्चन है भाई, ऑप्शन के थ्रू जाओगे आप, अगर नॉर्मल कैलकुलेट में करा दूं ठीक है तो इतना टाइम लगेगा, जिस इससे अच्छा है कि आप जो भाई ऑप्शन के थ्रू जो आसानी से कर सकते हो। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पता चलेगा कितने जेन्युइन स्टूडेंट हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है होमवर्क के लिए जाता है आपके पास। ओके, अब आप खुद ही देखना कि कमेंट बॉक्स में इसका जो आंसर है आपको देना है, कमेंट बॉक्स में आंसर कहाँ देना है भाई, कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अब आप खुद देखना कि कितने स्टूडेंट देते हैं। ठीक है, उसे क्लियर हो जाएगा कितने कंप्लीट वीडियो देखते हैं या फिर कितने सिर्फ एक दो क्वेश्चन देखते हैं या फिर बहुत सारे लोग डायरेक्ट चले जाते हैं। ठीक है, ये आप लोग खुद भी देखिएगा किस वजह से मेरा जो है वीडियो बनाने का मन नहीं होता है, वो रियल फैक्ट बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इसका आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में दोगे और बाई ऑप्शन के थ्रू करोगे। ठीक है, किससे करोगे, बाई ऑप्शन के थ्रू, आसानी से हो जाएगा। एक एक करके ऑप्शन 30 डिग्री पहले रख लेना, इज इक्वल टू में अगर 3 आता बिल्कुल सही है, एंड 45 फिर उसके बाद 60 वैल्यू ट्राई करना रख के। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, थोड़ा सा और है क्या क्वेश्चन। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िए जब तक। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है a इज इक्वल टू 10 11, यहां पे एक नई चीज सीखने को मिलेगी, 10 11 ठीक है, एंड 10 29 डिग्री, और हमें दिया हुआ b इज इक्वल टू 2 cot 61 डिग्री एंड cot 79। ठीक है, कितना cot 79 डिग्री, तो हमसे पूछा है इनमें से कौन सा संबंध सही होगा। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जब भी कभी, यहाँ बता दूँ यहाँ पे कि जब भी कभी आपके सामने मान लो कि टेन आपको दे रखा है कितना 15 डिग्री, टेन दे रखा है 15 डिग्री, अगर आप अपने अकॉर्डिंग इसे चेंज करना चाहो, ठीक है अपने अकॉर्डिंग इसे चेंज करना चाहो, तो ये बराबर हो जाता है किसके, cot, ये cot लिखा हुआ है cot 75 डिग्री के। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पर लिखा हुआ cot 61, क्या लिखा हुआ है
कॉट 61 लिखा हुआ, क्योंकि इनका जो सम होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। कॉट 61 लिखा हुआ है, 90 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। तो इसे मैं बोल सकता हूँ टेन 29, क्या लिख सकता हूँ भाई इसके बराबर हम 29 लिख सकते हैं टेन में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा, जब भी कभी आपको जरूरत होगी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को चेंज करता हूँ, तो यहाँ पे b इज इक्वल टू नई रो में अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेता हूँ, टू इस कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ 10, 10 के बाद 29 लिख दूँ, क्योंकि 29 और 61 किसके बराबर होगा, 90 के बराबर। एंड यहाँ पे 10 हम कितना लिख सकते हैं, 79 है, मतलब 11 लिख सकते हैं, 11 डिग्री। अब इसका कोई काम नहीं है क्योंकि हमने न्यू में चेंज कर लिया, लेकिन हमें ये पता है कि 10 29 मल्टीप्लाई एंड 10 11 की वैल्यू हमें दे रखी है, 10 11 मल्टीप्लाई 29, ये मल्टीप्लाई में दे रखा है और ये भी मल्टीप्लाई में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दो का तीन में करो या तीन का दो में, छः ही होता है। तो इसका मतलब है इसकी जो वैल्यू हमें दे रखी है मल्टीप्लीकेशन में, वो हमें किसके बराबर, ए के बराबर। तो बी इज इक्वल टू टू, क्या इसकी जगह पे, इस पूरे की जगह पे ब्रैकेट में जो मैंने रेक्टेंगल में बनाया है, इसकी जगह पे क्या मैं ए रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकते हो। तो ये आपका उत्तर हो गया, क्या हो जाएगा आपका आंसर, बी इज इक्वल टू टू ए, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है, आगे काम में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 की ओर। 30 वाला क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, सबसे पहले पढ़िएगा। क्वेश्चन बोला 10 15 इज इक्वल टू, हमें दे रखा है 2 माइनस रूट 3, ओके। तो हमसे पूछे 10 15, कोट 75 है, कोट 75 को चेंज करें तो हम यहां पर चेंज हो जाएगा कि इसमें कोट 75 को हम 10 15 बोल सकते हैं, एंड 10 75 है, एंड कोट 15 को हम 75 में चेंज करें तो 10 75 हो जाएगा, ठीक है। एक एक फॉर्म में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। 30 वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है आपसे। देखिए अगर अब भी आपके समझ में नहीं आ रहा है ना, तो इसके बाद में आपकी प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, और उम्मीद करता हूँ ऐसा होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, कंडीशन वही है, अप्लाई हो रही है कि 10 15 बराबर हमें दे रखा है क्वेश्चन में, 10 15 डिग्री की वैल्यू हमें दे रखी है 2 माइनस रूट 3। कितनी दे रखी है भाई, 10 15 की वैल्यू 2 माइनस रूट 3 दे रखी है, और हमसे बोला है कि 10 15 बताओ जी क्या, कि 10 15 ठीक है मल्टीप्लाई में दे रखा है हमें कितना, कॉट 75। क्या मैं कॉट 75 को 10 15 लिख दूं, 90 में से माइनस करके, तो 10 15 ही लिख देता हूं, कितना 10 15, बिल्कुल क्लियर, ओके। सेकंड केस में हमें प्लस में दे रखा है कितना, 10 75 है, मैं 10 की फॉर्म में ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 10 75 डिग्री। आप चाहो तो कॉट में भी ले सकते हो, ठीक है, 10 या कॉट में, आप किसी में भी ले लो। तो यहाँ पे देखेंगे 10 75 है, एंड कॉट को आप इसी में लेके जाओ, 10 75 में लेके जाओ कॉट को, तो कॉट को जब आप यहाँ पर चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 10 75 डिग्री, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, 10 75 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्लियर हुआ। 90 में से माइनस कर देते हैं, 10 का कोट कर देते हैं, अपना बिल्कुल बराबर हो जाता है, ओके। अब हमारे सामने ये कंडीशन है, सीधी सी बात है, ये दोनों स्क्वायर हो गए, ये दोनों स्क्वायर हो गए। अब देखो 10 15 है, 10 15 का मान तो हमें पता है 2 माइनस रूट 3 का, क्या कर दूं भाई होल स्क्वायर, क्योंकि एक बार और दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन याद रहे जब भी कभी 10 15 की वैल्यू और आपको 10 75 की वैल्यू चाहिए होगी, तो सिर्फ साइन चेंज होता है 2, एंड माइनस की जगह प्लस रूट 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, सिर्फ साइन चेंज आप कर दीजिएगा, ठीक है। 10 15 की वैल्यू और 75 की निकालनी है, इसी तरह कॉट की वैल्यू अगर आपको दे रखी है तो कॉट की वैल्यू भी चेंज होकर किसमें हो जाती है, माइनस में, या माइनस है तो प्लस में, ओके। यहां पर देखेंगे प्लस है यहां पर, एंड 10 75 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस रूट 3, ठीक है। तो यहां पर फाइनली स्क्वायर कर देंगे, तो यहां देखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, डायरेक्ट लिखना चाहो डायरेक्ट लिख लो, 2a² + b² बचेगा। अगर आप ओपन करना चाहो ये क्या लिखा हुआ, देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, लिखा देता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे ओपन करेंगे, a² + b² माइनस का 2ab, ठीक है, प्लस में a² + b² + 2ab, तो प्लस का 2ab माइनस का 2ab क्रॉस हो गया, क्लियर। एंड यहाँ पे दो कॉमन ले लेता हूँ, बचेगा कितना, a² + b², यही तो बचेगा। तो सीधी सी बात है, a की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 2, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे हो गया 2,
ब्रैकेट में ए का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया, प्लस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 4 और 3 7 हो गया, 7 दुनी 14, फाइनल आपका जो उत्तर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 14 हो जाएगा। ये इतना बड़ा आपको लग रहा है क्योंकि मेरा काम है आपको समझाना, जब आप सॉल्व करोगे ना खुद सारी चीज़ें आपको पता हो जाएंगी, तो फाइनली आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, तो याद रखना 10-15 की वैल्यू अगर हमें ये दे रखी है तो 10-75 की वैल्यू आसानी से सिर्फ साइन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोट को अगर 10 में चेंज करना है तो सीधे सिंपल तरीके से कर सकते हैं 90 में से माइनस करके। बाकी यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, और ये कंडीशन कभी भी बनती है तो आपके सामने यही बचता है हमेशा, सिंप्लीफिकेशन में सिखाया हुआ। टू ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू पुट की मैंने ए और बी की, क्योंकि यहाँ पर भी ए और बी सेम ही है, तो फाइनली देखा 2 एंड 4 और 3 7 दुनी 14, 14 आपका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, चलिए बाकी ये क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, अभी मैं चलता हूँ, बाय, टेक केयर। और आपका जो लाइक्स हैं अपनी तरफ से लाइक और सब्सक्राइब, अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलता हूँ, बाय, टेक केयर।